राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस नई एपिसोड टॉक विद आशु चर्चा कुछ अध्यात्म की में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं आ रहा था टॉक विद आशु क्योंकि मेरी आंख में इन्फेक्शन था। अब 99% सही हो गया है, 1% आप रह गया है, आप इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हो, बीवी छोटी है, बड़ी है, 99% क्लीन हो चुका है, 1% रह गया है। आप लोगों को पता है कि एवरी डे 12 बजे एक एपिसोड प्रसारित होता है चर्चा कुछ अध्यात्म की टॉक विद आशु, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। अगर आपके भी कोई प्रश्न है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 4292025065 पे लिख भेजिए। समय अनुसार मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की भी कोशिश करूंगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों का सबसे पहले ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम संदीप है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर के पास एक मंदिर है, यहाँ पे किसी ने लड्डू गोपाल को छोड़ दिया है, मतलब उनका हार्ट टूट गया है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मेरे को उनके घर पे लेके आना चाहिए? उनका जो खंडित और टूटा हुआ हाथ है वो भी मेरे पास नहीं है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिए। देखिए संदीप जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, लड्डू गोपाल का जब तक मस्तक खंडित ना हो जाए, यहाँ से ना वो टूट जाए या फिर गर्दन से ना टूट जाए, तब तक उनको खंडित की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आप लड्डू गोपाल को लेके आइए और एक पट्टी लीजिए, पट्टी जो डॉक्टर की पट्टी होती है, उसको हल्दी में डुबोइए और नकली का हाथ उनका बना दीजिए और आप उनकी फिर से सेवा पूजा अर्चना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम अन्नू है और मैं दिल्ली से हूँ। प्लीज ये बताइए, मैंने किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली लेकिन मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे हम घर में काम करते हुए जपते रहें और भगवान का भी साथ मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र और महामृत्यु मंत्र, गायत्री मंत्र, इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप जाप करते करते कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है जिसका जाप प्रहलाद ने किया भगवान को पा लिया, ध्रुव ने किया भगवान को पा लिया, तो इस मंत्र का जाप आप लोग अवश्य कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। किसी ने पूछा है कि दीदी राधा अष्टमी का व्रत हम हर महीने रख सकते हैं क्या और शुरू करने की क्या विधि है, कृपया करके बताइए। राधा अष्टमी का व्रत राधा अष्टमी जब आती है तब से प्रारंभ किया जाता है, ठीक है ना। जब राधा अष्टमी आएगी तब से प्रारंभ किया जाता है और हर महीने की अष्टमी को आपको राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन प्रारंभ राधा अष्टमी से किया जाता है। आप संकल्प लेके 11, 21 या फिर पूरे साल का व्रत का भी संकल्प लेके व्रत रख सकते हो, ठीक है। अगर आप संकल्प लोगे कि मैं उद्यापन करूंगी तो उद्यापन करना चाहिए, अगर आप संकल्प लोगे कि मैं उद्यापन नहीं करूंगी तो आप बिना उद्यापन के भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे रिश्तेदारी में या आस पड़ोस में कोई एक्सपायर हो जाता है तो तुलसी माला पहनकर जा सकते हैं क्या? माला खंडित तो नहीं होती? देखिए, गुरु द्वारा दी गई माला सूतक पातक में खंडित नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी कोई एक्सपायर हो गया आप जा रहे हो तो मेक श्योर आप अपनी तुलसी माला उतार के रख जाइए, तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। राधे राधे दीदी, मेरे पापा के पैर में एक घाव है 40 साल से, ना ठीक होता है ना ज्यादा बढ़ता है। मेरे पापा इससे बहुत परेशान है, सब लोग कहते हैं भ्रम दोष है, क्या करें इसे ठीक हो जाए? देखिए, सब लोग कहते हैं, पहले अपने एक बार किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिला लीजिए, और मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले कुंडली दिखाने से भी पहले आप ब्रजरज क्यों नहीं ट्राई करते, एक बार आप ब्रजरज लगा के देखिए, क्या पता उससे फायदा हो जाए, क्योंकि ब्रजरज की महिमा का मैं व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ। एक सज्जन मेरे पास आए थे जिन्होंने मुझसे ये बोला था कि दीदी मेरी माता जी अंतिम पड़ाव में थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, डॉक्टर ने कहा था घर पर ले जाओ सेवा करो, 2-3 दिन की मेहमान है। मैंने अपने भाई से कहा कि भैया तूने अपनी मनमानी कर ली, अब एक बार मुझे भी करने दे। मैंने अपनी माता को ब्रज रज खिलाया और 5 साल हो गए हैं, मेरी माता अभी भी हैं। तो एक बार आप उस घाव पे ब्रज रज लगा के देखिए, 100% मैं 100% बोलती हूँ कि ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं पूजा हरियाणा से हूँ। दीदी, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पंडित ने मंगल का दोष बताया था, बोला था कि शादी से पहले इनकी शादी लड्डू गोपाल के साथ होगी,
मैंने उनके साथ 7 फेरे भी लिए थे, उनकी पूजा मैं बहुत टाइम से करती हूँ, मेरा मैं उनको किस रूप में समझू प्लीज। ऑब्वियसली बात है, जब आपने उनसे फेरे ले लिए हैं तो जिस रूप में मीरा समझती थी उस रूप में आपको समझना है, अर्थात आपको अपने पति के रूप में समझना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, लेकिन सांसारिक रिश्ते से आपने जिसको भी अपना पति बनाया है वो कर्तव्य भी निभाइए, लेकिन आप लड्डू गोपाल के साथ अपने पति वाला रिश्ता, पत्नी वाला रिश्ता ही कायम कर सकते हैं, अपने पति के रूप में आप उनको पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी एक बात और बताओ, मैं पूजा ही हूँ कि मैं सुबह सुबह सारी चालीसा करती हूँ, जैसे कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कृष्णा चालीसा, खाटू श्याम चालीसा, शिव चालीसा, राधा चालीसा, तुलसी चालीसा, फिर मैं आरती करती हूँ सबकी, उसके बाद फिर मैं महामंत्र का जाप करती हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका 16 राउंड माला जप करती हूँ, उसके बाद भगवान शिव की भी 3-4 माला कर लेती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि डे के हिसाब से या फिर तिथि के हिसाब से अगर आप चालीसा करेंगे ना तो ज्यादा फल मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूर्णमासी वाले दिन अगर आप, पूर्णमासी वाले दिन अगर आप चालीसा करती हैं, भगवान विष्णु की चालीसा करती हैं पूर्णमासी वाले दिन, तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। जिस दिन मंगलवार है इस दिन हनुमान चालीसा करती हैं तो ज्यादा फल मिलेगा। जिस दिन शुक्रवार है उस दिन दुर्गा चालीसा करती हैं तो ज्यादा फल मिलेगा। तो दिन के हिसाब से अगर आप चालीसा करेंगी तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माला माना जाएगा। और आप जो महामंत्र कर रही हैं वो तो सर्वोत्तम है ही है, लेकिन जो आप शिव का मंत्र कर रही हैं मेक श्योर कि वो आप तुलसी माला में ना कर रही हो, इस बात का आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। राधे राधे दीदी, मैं पिछले जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल लेके आई थी, तो इस जन्माष्टमी पर उनका जन्म दोबारा कराना पड़ेगा? हाँ, हर जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल का दोबारा ही प्रादुर्भाव होता है, दोबारा ही जन्म होता है, ठीक है? मैं भी ऐसे ही करती हूँ, हर जन्माष्टमी पे अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का प्रादुर्भाव कराती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम डिम्पी है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड कार की बुकिंग का काम करते हैं, वो काम अच्छे से चल नहीं रहा है, कुछ उपाय बताइए। अगर वो कार की बुकिंग का काम करते हैं और वो काम अच्छे से चल नहीं रहा है तो उनसे कहिए कि वो छाया दान करें, छाया दान, क्योंकि कार का संबंध लोहे से होता है और लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि ग्रह हमेशा शांत होता है। छाया दान करने से अर्थात शनिवार वाले दिन अपना जो चेहरा है वो तेल में देखिए, सबसे पहले उठते अपनी बीवी को भी नहीं देखना, बच्चों को भी नहीं देखना, एक कटोरी में तेल लीजिए, अपना चेहरा देखिए और उस तेल को दान कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड छाया दान। जब आप छाया दान करोगे तो आपका ओरा क्लीन होता हुआ चला जाएगा और आपकी जो कार सेलिंग का काम है वो बहुत अच्छी तरीके से चलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं कानपुर से हूँ, मेरा नाम सालू है, मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर पे 3 लड्डू गोपाल है, मैं उनकी रोज स्नान करती हूँ, भोग लगाती हूँ, कभी कभी पूजा करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की पोशाक बदल जाती है, कुछ गलत तो नहीं है? मेरे घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं, अर्थात मम्मी के और मेरे, दोनों भाई आपस में बदल बदल के कपड़े पहन लेते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप बेफिक्र होके एक दूसरे को दूसरों के कपड़े पहना सकते हैं, ये भगवान की एक लीला ही होती है इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं आपकी वीडियो रोज देखती हूँ, मुझे आपकी वीडियो का इंतजार भी रहता है। दी आपने कहा था कि लड्डू गोपाल चाहिए तो वो भेज देंगे, मुझे भी लड्डू गोपाल चाहिए बड़े साइज के, क्या आप दिलवा सकती हो? देखिए मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो जल्दी बनाऊंगी, 1-2 दिन में आपको इंतजार करना है, 1-2 दिन में इस टॉपिक पर वीडियो आप लोगों के सामने आने वाली है। राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम ज्योति है, मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश है, आपने कहा था कि नाम भेजना और लड्डू गोपाल का नाम रखना है, मैं जरूर डेफिनेटली जल्दी भेजूंगी आप। राधे राधे दीदी, मेरा नाम ज्योति है, मैंने अपने लालों को सुबह नहलाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड उठाते हैं फिर उनको दूध पिला देते हैं, क्या मैं सुबह पानी पी सकती हूँ बगैर लाला की सेवा करे? हाँ, आप बगैर लाला की सेवा करे पानी पी सकते हैं, अगर आपके लाला को आपके हस्बैंड उठा के दूध का भोग लगा देते हैं तो आप पानी का सेवन कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम ममता है और मैं अगस्त से आपसे जुड़ी हूँ, और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तभी से मैंने राधा रानी की सेवा करनी प्रारंभ करी है, मुझे राधा रानी से जोड़ने वाली आप ही हो, आपका बहुत सारा थैंक्स, आप हमेशा खुश रहो, सिया को भी बहुत सारा प्यार। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं राधे नाम का टैटू अपने हाथ पे बनवा सकती हूँ? अगर हाथ पे बनवा सकती हूँ तो कौन से हाथ पे बनवाऊं?
आप राधे नाम का टैटू अपने सीधे हाथ पे बनवाइए। मेरे हस्बैंड ने भी बांसुरी पर राधे राधे लिखवा रखा है, मेरे हस्बैंड ने भी बांसुरी पर राधे राधे लिखवा रखा है। और साथ ही के साथ जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने अपने सीधे हाथ पे राधे नाम का टैटू बनवा रखा है। अजय देवगन ने अपने हृदय पे अपने छाती पर भगवान शिव का टैटू बनवा रखा है। जब हम टैटू बनवा लेते हैं तो भगवान से हमारा कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और मरते दम तक वो साथ हमारा छूटता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप प्लीज भागवत कथा ऑनलाइन सिखाना शुरू करें, और दीदी हम कितने गुरु बना सकते हैं? अगर हम एक से ज्यादा गुरु बनाते हैं तो सभी के नियम पालन करने पड़ेंगे, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार दत्तात्रेय जो कि भगवान शिव के अवतार थे, उन्होंने 27 गुरु बना रखे थे, 27 गुरु, ठीक है ना। आप कितने भी गुरु बना सकते हो, और वैसे भी बचपन से गुरु ही बनते आ रहे हैं, गुरुकुल में तो सबके गुरु ही हुआ करते थे ना। राम जी के भी 3-4 गुरु थे जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण करी, वो गुरु अलग थे, जिन्होंने उनसे दीक्षा ली वो गुरु अलग थे, और उनके कुल के गुरु अलग थे। तो आप अपनी मर्जी के अनुसार कितने भी गुरु बना सकते हैं, जिनसे भी आपने एक शब्द सीखा हो उनको भी गुरु बना सकते हैं साथ ही के साथ, लेकिन अपने इष्ट गुरु एक ही रखिए जिनके नियम आपको फॉलो करने होते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपका ये अध्यात्म प्रोग्राम हमें भगवान की सेवा करना सिखाता है, भगवान की सेवा करना सिखाता है। दीदी हमारे नए घर का प्रवेश है, क्या क्या करना चाहिए कृपया करके बताइए जिससे नए घर में शुभ हो। मुझे कई वर्ष से संतान नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए कृपया करके इसका भी मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले आपका प्रथम क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके नए घर में प्रवेश है, आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके नए घर में प्रवेश है तो सब प्रथम आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए, वो भी हल्दी और चावल। हल्दी और चावल को अच्छे तरीके से पीस लीजिए, उसका स्वास्तिक आप अपने नए घर में अवश्य और अवश्य बनाइए। दूसरा, दहलीज पूजन जिसको कहते हैं, चौखट पूजन भी जिसको बोलते हैं, वो आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। तीसरा, आपको अपने घर के बाहर आम का, अशोक का तोरण अवश्य और अवश्य बांधना चाहिए। चौथा, आपको अपने घर के बीचों बीच एक रात पहले, जिस दिन आप गृह प्रवेश कर रहे हो उससे एक रात पहले आपको एक घर में पानी भर के अवश्य रख के आना चाहिए। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी नए घर में प्रवेश करो तो दूध सबसे पहले उबालना चाहिए, और दूध इतना उबालना चाहिए कि वो बाहर निकल जाए। तो ये कार्य आपको अवश्य करना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि आपके संतान नहीं हो रही है, अतः अष्टमी होई अष्टमी वाले दिन, सॉरी माफी चाहूंगी, होई अष्टमी वाले दिन आप हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर राधा कुंड में स्नान कीजिए। होई अष्टमी करवा चौथ के बाद आती है, करवा चौथ के 8 दिन बाद होई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। आप राधा कुंड में मिलकर हस्बैंड वाइफ दोनों स्नान कर सकते हैं, तो आपके संतान 100% होगी। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम पूजा है, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ। मेरा सवाल यह है कि एकादशी का व्रत करती हूँ पर मेरे घर में कभी भी बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं बनता है। हमारे घर में कभी भी बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं खाया जाता, एकादशी का व्रत सफल होगा या नहीं? जल्दी वृंदावन आना चाहती हूँ, देखती हूँ राधा रानी कब बुलाती है। देखिए लहसुन प्याज खाने से और एकादशी के व्रत से कोई भी संबंध नहीं है। एकादशी का व्रत का संकल्प जिस दिन आपने ले लिया उसी दिन से आपके एकादशी का व्रत सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन दसवीं तिथि को आप लहसुन प्याज मत खाइए, आप चाहो तो दही से रोटी खा सकते हो। और द्वादशी तिथि को सुबह सुबह जब आप व्रत का पारायण करते हो तब भी लहसुन प्याज का उपयोग ना कीजिए। और रही बात व्रत सफल होने की, तो आपका व्रत 100% सफल होता है। और राधा रानी आपको जल्दी वृंदावन बुलाए ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे दीदी, मटके में तांबे का लोटा 8 घंटे के लिए रखना है या फिर निकाल लेना है? मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मटके में ये 5 चीजें अवश्य डालनी चाहिए। एक सोने की अंगूठी, पीने वाले पानी में सोने की अंगूठी डालिए, चांदी का सिक्का डालिए, रुद्राक्ष अगर आपके घर पे तो रुद्राक्ष डालिए, साथ में तांबे की कोई भी चीज डालिए। ये 8 घंटे के लिए डली रहने दीजिए। उसके बाद जो ये पानी है ये अमृत का काम करता है, अमृत तुल्य पानी बन जाता है। इसको हमेशा पानी में पड़े रहने दीजिए। 1 महीने बाद आप इन चीजों को वॉश कीजिए, दोबारा से मटकी को वॉश करके दोबारा से पानी भर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं श्रीमती हिमाचल प्रदेश से, मेरा पहला क्वेश्चन है, दीपक पूजा से पहले जलाना चाहिए बाद में? हमेशा पूजा का जो दिया होता है वो पूजा से पहले ही जलाया जाता है, उसके बाद पूजा होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दीदी मैं अष्टव धातु की जुगल जोड़ी अपने घर पे लाना चाहती हूँ,
और काले रंग के कन्हैया और गोले रंग की राधा लाने चाहती हूँ, क्या आप प्रोवाइड करा सकती हो? मेरा बस चले तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन मैं प्रोवाइड नहीं कराती। आप इस्कॉन टेम्पल से परचेस कर सकते हैं। और वैसे जो जुगल जोड़ी है ना, वो जयपुर में बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि जो जुगल जोड़ी होती है उनके नेत्र बहुत अच्छे होने चाहिए, और जिनके नेत्र अच्छे होते हैं वो जुगल जोड़ी सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। आप जयपुर से परचेस कीजिए या फिर इस्कॉन टेम्पल से भी खरीद सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल। राधे राधे दीदी, मेरे घर में मंदिर में जो कमरा है वो अलग बना हुआ है, क्या हमें अपने से दूर अपनी लाडली जी और राधा रानी और कन्हैया जी को सुलाना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली, जो आपके मंदिर का कमरा है आपको वो अपनी लाडली जी और कन्हैया जी को वहीं पे सुलाना चाहिए, अपने साथ बिल्कुल भी नहीं सुलाना चाहिए। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है? माना कि वो हमने जो रिश्ता कायम कर रखा वो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान के स्वरूप ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते हैं, बहुत भोगी है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता उनके साथ ऐसा करने का, ये गलत है, पाप है, उनके साथ नहीं दे पाती हूँ, हमारी लड़ाई भी बहुत होती है, शादी को 13 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं, हस्बैंड सुधर नहीं रहे हैं, बहुत नुकसान भी हो चुका है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल और लाडली के साथ अच्छा महसूस करती हूँ, मेरे हस्बैंड सुधर जाए उसके लिए क्या करें? देखिए, सब प्रथम पहली बात, हाँ वो ड्रिंक करते हैं, ये बात आपकी गलत है और आपको उनको सुधारना भी चाहिए, आप उनको समझाइए और साथ ही के साथ आयुर्वेदिक इलाज भी प्रारंभ कर दीजिए। जैसे कि मुझे पता है जब ड्रिंक छुड़वाई जाती है या स्मोकिंग छुड़वाई जाती है तो आपको अदरक चूसने को दिया जाता है, अदरक को सुखा के रख लिया जाता है और उसमें सेंधा नमक डाल के या फिर काला नमक डाल के उनको चूसने को दिया जाता है, जब भी आपको उनकी तलब लगती है तो वो चीज़ आपको दी जाती है। बिकॉज मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में नॉलेज है। दूसरी बात, मेरे हस्बैंड बहुत भोगी हैं और मेरा मन नहीं करता, आपने ऐसा प्रश्न भी मुझसे किया है। अगर आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो आपका दायित्व बनता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को सामंजस्य स्थापित किया जाए, दोनों, ये कोई पाप नहीं है। अगर आपके हस्बैंड का मन है तो आपका ये भी कर्तव्य है कि उनकी मन की इच्छाएं संपूर्ण करें, पूरी करें। कल को वो किसी और के साथ संभोग क्रिया करने लगेंगे तो आपको फिर ये बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो आपका ये दायित्व है। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज करें, आपका ये दायित्व है कि आप अपने हस्बैंड की जो इच्छा है उसको संपूर्ण करें, धीरे धीरे उन्हें समझाएं, पहले वीक में, फिर मंथ में, ऐसे करते करते आ जाएगा आपका 2-3 मंथ में, धीरे धीरे समझाएं, ठीक है ना? लेकिन उनका थोड़ा सा साथ आप भी दें। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल को बैगन और गाजर का भोग क्यों नहीं लगता? देखिए, श्री भक्ति विलास के अनुसार एक ग्रंथ है, श्री भक्ति विलास के अनुसार उसमें साफ साफ मना है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बैगन गाजर और मूली का भोग नहीं लगता। श्री भक्ति विलास के अनुसार ये चीजें साफ साफ मना ही है। श्री भक्ति विलास में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को इन तीनों चीजों का भोग नहीं लगाया जाता। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4129205065 पे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोन बिल्कुल भी मत, उत्तर भी नहीं देगा। समय अनुसार 1 या 2 दिन के अंदर जब भी वीडियो आएगी तो आपके मैसेज का उत्तर मिल जाएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।